पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार ने क्या विकास कार्य किए हैं वो आपको टीवी खोलते ही दिख जाएंगे, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, 2024 के चुनाव से इस तरह की रैलियां करना आम बात हो गई है। ICS कोचिंग सेंटर, वेयर हाउस रोड, MC कॉलोनी, चरखी दादरी। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में 152 डी कॉरिडोर जो सड़क है उस पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख रहे होंगे। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ मौजूद है और सड़क किनारे बीजेपी पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई कार्यक्रम किया जाने वाला है, यहाँ बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करने वाले हैं। आखिर क्या कार्यक्रम है और किस लिए बीजेपी पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार, सबसे पहले चरखी दादरी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मनवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा चरखी दादरी। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्ण में बहुत ही बेहतरीन 9 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में नारनौल से चलकर गंगेड़ी इस्माइलाबाद तक कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। दादरी के अंदर उनका एक बेहतरीन स्वागत किया जाएगा। 9 साल के दौरान बीजेपी सरकार ने जो जो विकास के कार्य किए हैं उन विकास के कार्यों को बताने के लिए ये एक कार यात्रा जो है कहे या कार रैली बीजेपी पार्टी द्वारा निकाली जा रही है। ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में ये रैली निकलने वाली है। इस वक्त बीजेपी पार्टी के जिला विस्तारक वजीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आखिर क्या कुछ रैली है, कहाँ से शुरू होगी? जहाँ से 152 डी हमारा जो ये राष्ट्रीय मार्ग है, महेंद्रगढ़ से शुरू होकर के और इस्माइलाबाद तक ये अम्बाड़ा के आसपास तक ये होगी। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए, आप देख रहे हैं जी। तो इस सभी रोड के ऊपर झंडे लगाए जाने पार्टी का, और जो 9 साल का स्वर्णिम युग है आज तक का मोदी जी का, उसको प्रदर्शित करने के लिए कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। देखिए, जितना विकास हुआ है आम आदमी को पता होगा और आप टीवी देख भी रहे होंगे और विकास आपको दिख भी रहा होगा। आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, 2024 के चुनाव से इस तरह की रैलियां करना आम बात हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पर रैलियां करने जा रही हैं। देखना होगा कल इस रैली में क्या कुछ खास होने वाला है। कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं जो इस वक्त बीजेपी पार्टी के झंडे लगा रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, विकासदीप शर्मा, मैं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सरखी दादरी से, और बड़े ही उत्साह से हम लगे हुए हैं कल के कार्यक्रम को लेकर। आप देख भी रहे हो इधर से उधर तक कितने युवा साथी कल की तैयारियों में लगे हुए हैं, और बहुत ही खुशी हो रही है हमें। संगठन समर्पित कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को जो ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव जी का स्वागत के लिए हमारे युवा साथी बहुत ही उत्साह के साथ लगे हुए हैं। तो 152 डी रोड बनाया है, ये चंडीगढ़ की जो दूरी 7 घंटे की थी वो 3 घंटे में हो रही है, उसके लिए इसको प्रदर्शित करने के लिए पार्टी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। और जो 9 साल में कार्य किए हैं उनके बारे में पार्टी विस्तार से लोगों को पता चले, कोई जानकारी हो पार्टी ने क्या क्या कार्य किए हैं। पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार ने क्या विकास कार्य किए हैं वो आपको टीवी खोलते ही दिख जाएंगे, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी कल यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें किन विकास कार्यों को बताया जा रहा है वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।